पहलाज जी, आप लोगों को सब्जेक्ट पता है, पहलाज जी ने पिक्चर बनाई रंगीला राजा। पिक्चर बिल्कुल साफ सुथरी है, सिर्फ पहलाज जी पहले चेयरमैन रह चुके हैं, इसलिए जो है इस पिक्चर में अनवांटेड कट्स दिए गए हैं। हमने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसकी सुनवाई जो है मंडे को एक्सपेक्टेड है, और उसके पहले हम ये चाहते हैं कि आप लोग फैसला कीजिए कि क्या सेंसर बोर्ड जस्टिफाइड है या उनको जानबूझ के जो है ये परेशान करने के लिए कदम उठाया गया है। पिक्चर के अंदर शॉट्स जो हैं, जो कट इन्होंने रिकमेंड किए हैं, वो बिल्कुल इतने सीधे साधे शॉट्स हैं कि उसके अंदर एक छोटे बच्चे को भी अगर दिखाई जाए पिक्चर तो उसे कुछ बुरा नहीं लगेगा। और स्पेशली जब अगर कोई ये कहता है कि जब जब सीता का हरण होगा, राम की सीता का हरण होगा, हनुमान हमेशा उसके लिए आएगा, तो मेरे ख्याल से राम का शब्द यूज़ करना उसमें कुछ गलत नहीं है। पिक्चर जो है इस ढंग से बनाई गई है कि कहीं कोई वल्गैरिटी, कोई गलत बात उसमें नहीं दिखाई गई है। जानबूझ के पहलाज जी जो है अपने पीरियड के अंदर जब चेयरमैन थे, उन्होंने बिल्कुल रूल्स फॉलो किए, और रूल्स फॉलो करने की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफें हुई, एक पिक्चर बैन हुई, वो कोर्ट में भी गई, मगर इन्होंने हमेशा रूल्स फॉलो किया। आज उस रूल्स फॉलो करने की वजह से शायद प्रेजेंट चेयरमैन जो है उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसी वजह से जो है इनको परेशान करने के लिए जो है ये कट्स दिए गए। हम ये कट्स आपको दिखाएंगे, साथ में हम सीन दिखाएंगे कि कट्स जो दिए गए हैं, जो डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं, वो किस संदर्भ में किए गए हैं। आप सिर्फ एक शब्द उठा के नहीं देख सकते, अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि किस संदर्भ में जो है वो डायलॉग्स कहा गया है, और इसीलिए आप लोगों को हमने यहाँ इनवाइट किया है। आप लोग डेफिनेटली वो देखेंगे और आप अपना जजमेंट जो है डेफिनेटली देंगे। आई थिंक पहले जो है ये देख लें, उसके बाद सवाल। बाहर निकले? कोई बात नहीं, मैं दूर से एकलव्य की तरह देख के सीख लूंगी। माफी चाहूंगा देवी जी, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था गुरु दक्षिणा में। पूजा पिता, आग के तेरी भारी लग रही है, लगता है रात पर सोई नहीं। कहाँ सोती सर, अगर हम भी सो जाते तो जो ये सुकून मिला है आपको, ये कहाँ से मिलता? तुझे पर खाली है, खाली है। ये महल रहेगा, किला रहेगा, इसका नाड़ा ढीला रहेगा, ये राजा रंगीला का। फ्रेंड्स, नाउ यू हैव सीन द कट्स। ये जितने कट्स हैं एक पर्टिकुलर सीन में जो है जुड़कर हैं, और मेरे ख्याल से सीन बिल्कुल उभर के आता है। ना तो हम इसको कोई वल्गैरिटी कह सकते हैं, और ना ही कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल या हिंसाप्रद कह सकते हैं। आप लोगों के इस सीन्स के बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे, पहलाज जी आपको एक एक सीन जो है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। कि इस पर क्या टोटली प्रतिक्रिया है? देखिए, somehow या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हो, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नज़र आई गोविंदा, ये रिलीज़ कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे ये बचपन से यही माता पिता ने समझाया कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में
निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर. मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन. फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई. उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली. मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला. ऐसे बहुत सारी फिल्में जो है, चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके. ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया. अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई, आप सब जो पत्रकार गण है सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे. तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं. सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले. क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे, इसे कहाँ से थिएटर दे दें. तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया. अब यहां तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब यह हद हो गई कि सेंसर की डेट पहलाज जी की फिल्म को मिली ही नहीं. यह तो हद हो गई. अब यह सोचने का विषय है, एक आदमी सह सकता है 2-4-3-4-5 साल, 9 वर्ष हो गए भाई, क्या है प्रॉब्लम, कहां है प्रॉब्लम? और मैं ऐसा क्या हो गया हूं किसी के लिए कि मैंने किसी के साथ घातपात कर दिया है? मैं ये विषय मेरे समझ में नहीं आ रहा है. मैं इस विषय पे कतई चर्चा नहीं करूंगा. मेरा ये सोचना है कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं. ये तो मैं, ऊपर वाले ने मुझ पे कृपा कर दी है, ये ऊपर वाले ने कर्म किया है कि आदरणीय पहलाज जी के माध्यम से आज ये समय आया कि मैं आप लोगों के समक्ष ये कह सकूं. मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं इस पिक्चर को लेके पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास 9 वर्ष का पूरा लेखा जोखा है. ये ऐसा मेरे साथ वर्षानुवर्ष से क्यों हो रहा है? मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकल चुका हूं, मेरी तरफ से किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है, मैं सिर्फ हाथ जोड़े जोड़े घूम रहा हूं. मेरे तरफ से एक गलत शब्द मैं नहीं कहता हूं किसी से. आई थिंक सो, आई स्टार्टेड फीलिंग दैट देर इज अ प्रॉब्लम एंड देर आर फ्यू पीपल, दे आर बिहाइंड नॉट प्रोवाइडिंग मी द प्लेस टू एक्ट. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एंड गॉड इज देयर, ऊपर वाला है, और वो बेशक वो किसी के साथ गलत नहीं करता है, और ये लोग जो कर रहे हैं ये सही ढंग नहीं है, ये तौर तरीका ही नहीं है. जिस वक्त मैं ये क्या डिस्कस करूं आप लोगों से कि इस सिनेमा में ऐसा था, इस सिनेमा में ऐसा था, अरे सिनेमा ही नहीं दिखा रहे हैं, फिल्म तो दिखाइए, मुझे मंच तो प्रदान कीजिए, मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए. ऐसी क्या गलती मैंने कर दी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. और मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूं, और मैं हार्डवर्क से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा. ये किया जा रहा है, और ये आज प्रथम जनता जनार्दन होती है. आप लोग मेरे लिए सिर्फ पब्लिक ही नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है कि आप लोग ईश्वर की तरह हर आर्टिस्ट के लिए उसका सिनेमा देखते हैं, उसे मंच प्रदान करते हैं, उसे सम्मान देते हैं, और उसमें मुझे कहीं कमी नहीं रही है. ऊपर वाले ने बहुत मुझ पर कर्म किया हुआ है, वो तो है, परंतु क्योंकि ये आदरणीय पहलाज जी के साथ ये हो रहा है, मैं किसी भी भाषा के और किसी विशेष भाषा के वजह से किसी के दिल पे ठेस पहुंचाऊं, ऐसी मेरी कभी इच्छा नहीं है, ऐसी कभी मंशा नहीं है. मेरा ये सोचना है कृपया मंच तो प्रदान करें, काम तो करने का अवसर मुझे प्रदान करें. और ऐसा हाल रहा तो मैं क्या कह सकता हूं? और मैं बेचारा होके या लाचार होके लोगों से भटकता फिरूं, ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं होता है. मैं तो पॉलिटिक्स से बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के निकल आया, अब क्या है.
गोविंदा जी, आपको लगता है कि इंडस्ट्री से कुछ लोग हैं जो मतलब मैं ये सब मुझे ये सब टॉक्स अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इस इंडस्ट्री से हूं और इस इंडस्ट्री से मुझे बहुत मिला है। मैं किसी विशेष लोगों के बारे में कहूं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, ये दुखद है। आप एक पहलाज जी जैसे व्यक्ति के लिए आप उसे जगह ही ना दें, जो आधा दर्जन सितारे पहलाज जी के माध्यम से इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, आप उसे मंच नहीं देंगे? दिस इज रॉन्ग। आई थिंक दिस इज समथिंग डिफरेंट वर्ल्ड वी आर वॉचिंग एंड दिस इज मे बी दे आर नॉट रियलाइजिंग बट दे आर इनडायरेक्टली डूइंग वेरी नेगेटिव जॉब, जो वो रॉन्ग टाइप के लोग करते हैं। इट्स नॉट गुड। ये यहाँ का माहौल है ही नहीं, ये फिल्म लाइन की ये परिस्थिति कभी नहीं है, मुझे लग मेरे देखे तो नहीं रही। जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे उस टाइप के, इस टाइप के, ऐसे टाइप के, वैसे टाइप के लोग हैं, अब का माहौल बहुत अच्छा है, अब यहाँ पे एक भी रॉन्ग नहीं है, फिर ये क्या है? गोविंदा जी, हम लाइव हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, और वो समझ रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है, लेकिन वो जानना चाहते हैं क्या ये दिक्कत, ये पॉलिटिक्स आपके साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं खरे तौर पे, या फिर सरकार से आपको आपत्ति? मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, मैं कभी ऐसा विषय चर्चा नहीं करूँगा, आज तक कभी किया भी नहीं, मैं चाहूँगा भी नहीं। मेरा ये सोचना है कि ये घर परिवार है ऑल ओवर द वर्ल्ड, परंतु ये ऐसा हुआ है, हो सकता है, पुनः मैं कहूँगा कि भाग्य का हिस्सा हो सकता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं वो लोगों से जो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो जैसा है उसके भाग्य पे उसे छोड़े। आप मंच प्रदान, आदरणीय पहलाज जी की फिल्म, और आप उसे सेंसर का टाइम नहीं दे रहे, उसे डेट्स नहीं मिल रही है। ये तो तब भी नहीं हुआ जिस वक्त लोग कहा करते थे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ये तब भी नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूं मैं उन लोगों से जो शायद इन सब चीजों के पीछे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि यह माहौल बदलें, और मेरी बाकायदा ईश्वर से यह प्रार्थना है, मैं खुदा से यह दुआ करता हूं कि उन लोगों के पे वो नजर करें, देखें उस तरफ कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, दिस इज नॉट डन, दिस इज बैड। क्षमा प्रार्थना है। बैठे क्योंकि रीजनल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, जो आरओ होता है, और उसकी ऑफिस उसके अंडर होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर होती थी। लेकिन जब से मैं गया वहाँ पे, मैंने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया, जो मुझे सरकार ने करने के लिए दी और हमने की, जहाँ से मिडिल मैन, ब्रोकर्स और जो करप्शन थी, जो मेजर, वो जो डिले होती थी जानबूझ के और डिले करने के लिए करप्शन होती थी, वो कम्प्लीटली मैंने ख़त्म कर दी। और जहाँ कमेटी का सवाल हुआ, जो मेरे होते हुए कार्यकाल में, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठता था और सर्टिफिकेट जो है चेयरमैन के लिए होता है कि चेयरमैन साइन करे, क्योंकि मैं बैठता था और जितनी मैक्सिमम पिक्चर दिखा सकता था उस वक्त चेयरमैन ने दिखाई, ताकि ऑफिस का काम मैं कर लेता था, बाकी लोग जो है फिल्म को देखने का काम करें। लेकिन जो परसेप्शन, जो बिकॉज अपना मैं साइन करता था, लोगों को लगता था कि मैंने ही फिल्म देखी और मैंने ही फिल्म पास की और ये रिजेक्ट भी की। लेकिन आप सबको बता दूं, जब मैंने 2.5 साल के बाद मैंने वहां से छोड़ा, सिर्फ मैं 8 पिक्चर छोड़ के आया था, जो एक दिन पहले एप्लीकेशन आई थी, और वो 8 ही पिक्चर जो है बाकी रही, और मेरे कार्यकाल में कोई भी फिल्म डिले नहीं हुई, कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा, कोई भी फिल्म जो है पर्दे बिना नहीं रही जो पास हो गई। तो ये परसेप्शन जो है दिया, सिवाय 3-4 लोगों ने जो हल्ला मचाया, यहाँ किसका सेल्फ इंटरेस्ट था, उसकी भी उनको चेयरमैन बनना था और ना बन पाए, इसलिए उन्होंने इतना हल्ला किया। लेकिन सरकार ने जो है फिर एक बार आई वॉश किया, 1968 से लेकर 2011 तक 3 कमेटियां बनी, ताकि सेंसर पॉलिसी रिलैक्स हो जाए, और सेंसर पॉलिसी रिलैक्स हो, इंडस्ट्री को रिलीफ मिले। जब इंडस्ट्री चलाई, एक दे दिया। मेरे कार्यकाल में भी जो है ऐसे हुआ, 1-2 प्रोड्यूसर जो है मतलब चिल्लाए, उन्होंने बात की, जो आज टोटल खामोश है, वो इस पर पता चलता है ना, मीडिया में भी खामोशी है और फिल्म इंडस्ट्री में भी खामोशी है।
क्योंकि उनका मतलब मेरे से था, सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेट देने से या पिक्चर डिले होने से, या आज सब रो रहे हैं कि मतलब आज जवाब देने वाला कोई है नहीं क्योंकि चेयरमैन वहाँ पे बैठता नहीं है। मुझ जैसा आदमी जो वहाँ का एक्स चेयरपर्सन रहा है, मुझे आज चाहिए तो पर्सन जोशी नहीं मिलते, ये ऑफिस में बैठते ही नहीं है तो कहाँ से होगा। जहाँ कमेटी का सवाल है, रूल के हिसाब से दो औरतें देख सकती है फिल्म, दो मेल देख सकते हैं, लेकिन आज ये चेयरमैन अपना चेयरमैन और ओरिजिनल ऑफिसर जो परमानेंट नहीं है उसने रूल को चेंज कर दिया। पार्लियामेंट में 33% अभी होना बाकी है, लेकिन यहाँ पे ये अपना 75% जो है लेडीज़ को फिल्म दिखाई जाती है और 25% जो है मतलब एक ऑफिसर और तीन लेडीज़। और यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, जितने भी मतलब कमेटियाँ होती है उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं और जानबूझ के ऐसे लोगों को लाते हैं जैसे जो ऑफिसर जो है डिसीजन ले वो हो। और जहाँ पे मिनिस्ट्री जो है ना, ज़्यादातर जैसे आपने देखा पद्मावत में, मैंने उड़ता पंजाब में इंस्ट्रक्शन दिल्ली से नहीं लिए, मैंने इंदू सरकार का इंस्ट्रक्शन दिल्ली से नहीं लिया, उसको उड़ता पंजाब पिक्चर को जो है रोकने के लिए मुझे कहा गया कि उसको मत दो सर्टिफिकेट, टाइटल भी पास नहीं होना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं किया। बजरंगी भाईजान सलमान की फिल्म ईद में रिलीज ना हो क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री से विद इन 4 डेज मैंने 3 बार लेटर लिख के उस फिल्म को देखा, उन्होंने किया कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी एंड जज द फिल्म। उस फिल्म में कुछ था ही नहीं, जिन्ना कम्युनल कोई ऐसी चीज़ें थी ना कोई था, और फिल्म आपके सामने थी कि सुपर हिट हुई, वरना वो ईद पे फिल्म लगनी नहीं थी। मेरे एफर्ट की वजह से वो फिल्म लगी, लेकिन इंदू सरकार में स्मृति ईरानी जी मिनिस्टर नहीं आई, उन्होंने कहा क्योंकि सरकार को जो है फ़ायदा हो रहा था कि इमरजेंसी के टाइम की जो है गलत चीज़ें जो उस टाइम हुई थी, जो लोग परेशान थे वो सामने आए और सरकार को उसमें फ़ायदा हो, तो मुझे कहा कि आप ऐसे सर्टिफिकेट दे दो, बिना देखे अगर सर्टिफिकेट देना तो आप दीजिए, मैं नहीं दूंगा। तो ये इसलिए मुझे निकाला गया और मुझे लगता है रिलीफ हुआ और आज मैं फिल्म बनाने के लायक हुआ और बनाई, लेकिन मुझे इस पिक्चर में मुझे पनिशमेंट दिया गया। अब आप सब ने देखा इसमें, आप मुझे खुद आप बताइए कि ऑब्जेक्शनबल चीज़ है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ऑब्जेक्शनबल चीज़ है, मैं काट के कोर्ट से विड्रॉ कर लूँगा केस, अगर आपको लगता है कि ये सही फिल्म नहीं है और मैंने सही फिल्म नहीं बनाई। यहाँ ऐसा जो मेरे कार्यकाल में ना ऑब्सिनिटी है, ना वल्गरिटी है, ना वुमेन टॉर्चर है, ना चाइल्ड एब्यूज़ है, ना वायलेंस है। मुझे बताइए क्या है इस फिल्म में जिसकी वजह से जो है मैं इसमें बताऊं कि मैं पिक्चर में जो कोर्ट में गया हूं, क्योंकि जानबूझ के मुझे दिया गया है कि पनिशमेंट की, भैया आप जो है आप हमारी बात नहीं मान रहे थे तो चलिए हम आपकी बात मानते हैं। सर मेरे सर एक सवाल इसी से जुड़ा सर, इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है। अनुपम खेर जी जब भाजपा कार्यालय में के कार्यकाल के समय में थे और उसके बाद उनको हटा दिया गया था, कांग्रेस के समय में उनको हटा दिया गया था, तो वो एक मुद्दा बना था कि चूंकि सरकार चेंज हुई इसीलिए उनको उनको पनिशमेंट के तौर पे दिया गया। लेकिन आपके समय में वही सरकार थी और अभी भी जो मंत्री हैं उनके ही कार्यकाल में आप आए थे राज्यवर्धन। देखिए मैं आपको इसका जवाब एक सेकंड में देता हूं। जब ये हंगामा हुआ था, आज शाम बेनीगल रिपोर्ट जो बनी पार्लियामेंट में, रूल चेंज हुए नहीं हुए, नंबर वन। आज इतनी अगर मुझे निकालना था निकाल दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन शाम बेनीगल इतने 3-4 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, लेकिन कमेटी इंडस्ट्री को क्या खुश रखा? नहीं रखा, मतलब गाइडलाइन तो वही रही। जब सेंसर बोर्ड 1952 की गाइडलाइन थी, 1952 में जब गाइडलाइन बनी थी तब सेंसर बोर्ड था। अब जो है सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है, लेकिन गाइडलाइन जो है 1952 की सेंसर बोर्ड के हिसाब से चल रही है। क्योंकि आप सबको बता दूं और आपके रिकॉर्ड में भी अगर मैं जो अलग गलत बोल रहा हूं तो आपको मिलेगा, जो शाम बेनीगल की जो रिपोर्ट है, बिफोर शाम बेनीगल कमेटी बनी थी उससे पहले मैंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि आज जो है ज़माना बदल गया है, इसको जना ज़माने के हिसाब से 1952 की गाइडलाइन बदलिए और इसके अंदर रेटिंग दीजिए 6 रेटिंग इंटरनेशनल लेवल में, जैसे रेटिंग होती है कहाँ पे 5 होती है, कहाँ पे 6 होती है, कहीं पे 7 होती है।
तब अरुण जेटली जी जो मिनिस्टर थे, अरुण जेटली जी को मैंने लेटर लिखा, एक नहीं तीन लेटर लिखे। उसके बाद वेंकैया नायडू जी आए, उनको फिर लिखा मैंने। उसके बाद जो है ना ये श्याम बेनीगाल और वगैरह आए, उसके बाद मेरे ही चीज़ें रेफर करके उन्होंने रूल बदलने की कोशिश की। लेकिन सरकार जो है 1969 से गूंगी बहरी है, क्यों कल्चर इंडियन कल्चर को ऑन रिकॉर्ड में बदलना नहीं चाहती। आज बैकडोर से सारी गंदी फिल्में जो ऑब्जेक्शनबल एज पर गाइडलाइन बदलनी चाहिए वो नहीं बदल रही है, लेकिन आज पनिशमेंट जो अच्छी फिल्म को दे रहे हैं गंदी फिल्मों को पास कर रहे हैं बैकडोर से। और वहाँ पे प्रेफरेंस मिस्टर प्रसन्न जोशी जैसे लोग जो है 40-40 दिन में जहाँ रूल का फ़ायदा उठाना चाहिए वहाँ पे रूल का फ़ायदा उठाते हैं, 68 डेट में फिल्म को सर्टिफिकेट देना चाहिए। जहाँ मुझे 40 दिन हो गए एप्लीकेशन करते हुए, मेरी फिल्म को नहीं देखा, क्योंकि एक्चुअली 8 तारीख को मेरी रिलीज थी ठग ऑफ हिंदुस्तान, जहाँ पे हिंदुस्तान पूरा ठग गया, लेकिन जो है ना मेरी फिल्म को नहीं दिया गया, मुझे भी ठग लिया गया, सेंसर बोर्ड ने मुझे ठगा। लेकिन वहाँ पे मेरी फिल्म नहीं देखी, प्रसन्न जोशी ने आमिर खान की फिल्म थी इसलिए देख लिया। देखने के बाद जो है अपना कोई उसका जवाब नहीं है। उसके बाद देखी तो मुझे अनजस्टिफाइड कट्स दिए जो मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे नहीं लगते ये एक भी फिल्म में कट होना चाहिए। अगर आप कट देते हो तो गाइडलाइन को रेफर कीजिए, अगर आप मेरा कट है तो आप सही लिखिए उसके अंदर कट, आपने डिस्क्रिप्शन और पूरी जो ना रेफरेंसेस जो है ना गलत दिए, मतलब ऑटोमेटिकली वो मेरे कट हो जाते हैं। आज जो है मैंने अगर मेरे कार्यकाल में अगर मिनिस्ट्री ने मुझे कहा था कि उड़ता पंजाब जो है पास नहीं होनी चाहिए, मैंने की, तो जो गाइडलाइन के हिसाब से कट्स थे वो मैंने मतलब उसको काट के पिक्चर पास की, विरोध गया मैं सरकार के। लेकिन वो ट्रिब्यूनल में न जाके रिवाइज अपना न जाके सीधा कोर्ट में गए और कोर्ट ने सीधा ये ऑर्डर पास किया, फटकारा CBFC को कि आपने अनजस्टिफाइड कट्स दिए हैं। क्यों दिए? क्योंकि अपना सर्टिफिकेशन बॉडी है ये, फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं रहा। आज किसी भी प्रोड्यूसर को अगर कट मिलता है दैट इज़ अनरीजनेबल, क्योंकि सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी हो चुकी है। जो मंत्री जी जो है राठौर जी जब जब बॉम्बे आए उन्होंने मुझे गालियां दी और कहा कि सेंसर बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन है, बोर्ड मेंबर जितने भी है जब बोर्ड मीटिंग होती है बोलते भी लिबरल आप जो है इसको पिक्चर को पास कीजिए, तो फिर मेरे पिक्चर को 10 कट क्यों दे दिया जहां पे एक भी कट नहीं होना चाहिए? क्यों वो कट्स पास हो रहे हैं जिसमें जो कट्स गाइडलाइन के हिसाब से होने चाहिए? तो ये टोटल ड्यूल पॉलिसी है, ड्यूल मेंबरशिप है। जहाँ राठौर जी की बात हुई, राठौर जी ने मुझे कहा कि आप सेंसर अपना सर्टिफिकेट पे क्यों साइन करते हो, आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पक्ष में नहीं है ये। मैंने कहा आप रूल नंबर 100 देखिए कि आप इसमें मैं ही साइन कर सकता हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मैं दूसरे किसको साइन दे रहा हूं? बोलता आप माइक्रो से देख रहे हो। मैंने कहा मेरा काम ही है कि अगर मैं चेयर पे बैठूंगा तो माइक्रो में देखूंगा। तो उन्होंने कहा आप मेरी वजह से बचे हो, अगर नहीं तो जो है ना आपको निकाला जाता। मैं बोला कागज दीजिए मैं रिजाइन कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना आज मेरे से वो क्यों नहीं अपना रिवेंज लेंगे? पहला जी दो बातें, एक तो आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि जो भी सेंसर बोर्ड में अध्यक्ष होता है वो जो समिति होती है वो सरकार के दबाव में काम करती है और सरकार अपने फायदे के लिए जो फिल्म उनके फायदे की होती है उसको रिलीज या उसको सर्टिफिकेट देने की बात करते हैं। इसमें दो सवाल हैं कि एक तो आपने उस समय एक बार भी बात नहीं कही, इतना आरोप आप पर लगा कि उड़ता पंजाब और हिंदू सरकार के लिए सरकार का दबाव था आपको सर्टिफिकेट देने के लिए, और दूसरी बात है क्या यही वजह है कि आपकी फिल्म को इस समय सरकारी तौर पर भी रोका जा रहा होगा क्योंकि आपने उस समय सरकार की बात नहीं सुनी? देखिए अभी जो है आप शायद जो ना स्टडी नहीं करते हो, मीडिया देखते नहीं हो, आप मीडिया से हो इसलिए मैं आप पे ही बात कर रहा हूँ। आप जाके देखिए मेरे इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है, लहरे में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैंने उसके बजरंगी भाईजान का भी जिक्र किया है, हिंदू सरकार का भी किया है और उड़ता पंजाब का भी मैंने किया। मैं नए नए में उठ के आके जो है ऐसी बातें नहीं करता और ना मुझे आदत है। मैं ट्रांसपेरेंसी से जीने वाला इंसान हूँ, जो है सच सामने बोलता हूँ। मैं किसी कुर्सी के मोहताज या किसी का मोहताज नहीं हूँ कि मैं ये करूँ। मेरा नाम ही मतलब पहलाज है, पहला जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होगी वहीं पहलाज होगा, बाकी नहीं होगा। जी पूजा ये फ्रॉम इंडिया न्यूज़, गोविंदा जी ने अभी अभी कहा कि 8-9 साल से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है, आप भी बोर्ड पर 8-9 साल से नहीं 9 वर्ष से proper. आप भी बोर्ड में थे साल पहले, तो आपको क्या लगता है कौन लोग थे जो परेशान कर रहे हैं उनको, क्योंकि आप भी बोर्ड पर रह चुके हैं तो कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैं ये गोविंदा जो है
जो बात कर रहा था वो फिल्म रिलीज की बात कर रहा था, सेंसर बोर्ड की बात नहीं कर रहा था। मेरे कार्यकाल में गोविंदा जी की एक पिक्चर आई थी, आ गया हीरो। पूछिए इनसे कोई तकलीफ हुई, या किसी ऐसे प्रोड्यूसर से पूछिए जो मुझे नहीं जानता या मैं जिनको नहीं जानता। हर प्रोड्यूसर मेरे लिए, क्योंकि मैं एसोसिएशन में 22 साल प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मेरे लिए सारा बड़ा नहीं, छोटा नहीं, कोई नहीं, सारे एक ही समान है। क्योंकि सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग की फ़ी और पिक्चर दिखाने की फ़ी एक ही है, बड़े के लिए अलग, छोटे के लिए अलग नहीं थी। तो सारों को जो भी मुझे, मेरा फ़ोन 24 घंटा ऑन होता था, जब भी जिसको तकलीफ हो इमीडिएटली उसका सॉल्व किया जाता था, फ़ोन पे मैसेज आता था तो भी उसको जो है पिक्चर देखी जाती थी। तो मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रोड्यूसर को, चाहे नया हो, चाहे रीजनल पिक्चर हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे साउथ में हो, आप लोग रिपोर्टिंग बॉम्बे की करते हो, लेकिन आप साउथ के किसी प्रोड्यूसर से पूछोगे तमिल या तेलुगु या ओडिया फिल्म से, वो भी बोलेगा कि मेरे कार्यकाल में जो है कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं आई। सर, तो आपको लगता है कोई आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर? देखिए, मैंने साफ साफ लफ्जों में कहा, मैंने उड़ता पंजाब को पिक्चर को पास किया, उसके बाद रिलीज हो गई, लेकिन आपके सामने है प्रसन्न जोशी आने के बाद लीला बंसाली की फिल्म जो है पद्मावती से पद्मावत हो गई, और सरकार की इलेक्शन की वजह से इतनी पिक्चर रह गई। उस टाइम जो है ना 68 डेज का रूल जो है ना निकाला गया, 68 डेज का रूल जो निकाला गया वो आज भी बरकरार है, मुझ पर भी अप्लाई किया गया, जबकि पिक्चर 21 डेज में देखना ही देखना है इनको, इतने बरसों से रूल है। प्रसन्न जोशी ने वो रूल ले आया और उसकी पिक्चर रोकी, उसके साथ छोटे पिक्चर है कीड़े मकोड़े को भी जो है इसने घसीट लिया, बड़े हाथी को तो पकड़ा लेकिन बेचारे उसमें कीड़े मकोड़े भी पीस गए। तो ये जो है सरकार के जो है पिट्ठू मिस्टर प्रसन्न जोशी, उन्होंने मतलब इस तरह से जो है ना कम्प्लीटली मतलब इंडस्ट्री को रैमसन में रखा हुआ है, उसको सैक करना चाहिए। इंडस्ट्री आज खामोश बैठी हुई है, इसलिए बैठी हुई है कि जो शोकॉज नोटिस दिया जाता है उसके अंदर लाइन लिखी जाती है। कल को मुझे भी बोलेंगे, आज मैं आपके सामने हूँ, नीचे एक क्लास डाला हुआ है कि दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर एप्लीकेंट एंड CBFC। तो ये लाइन की वजह से डर के जो है लोग जो है ना सामने नहीं आते, वरना आज जैसे मेरे कार्यकाल में होता शायद आज अभी तक प्रसन्न जोशी घर पे बैठे होते या गाने लिख रहे होते। पहला जी, आप अभी आगे क्या करना चाह रहे हो? एक्चुअली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम समझ गए कि एग्जैक्टली क्या है, बट देन व्हाट आर यू गोइंग टू, व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर? देखिए, सिर्फ जो है हम कोर्ट में है, 12 तारीख को जो है अशोक जी जो है मूव किया हुआ कोर्ट के अंदर, 12 तारीख को कोर्ट में जो होगा सो पता चलेगा, हमें सुनवाई होती है तो ठीक है। और उसके बाद जो है आपको दिखाने का यही मकसद है, जब तक आज सेंसर कट क्या होता है, सेंसरशिप कैसी होती है, कौन कमेटी देखता है, किस तरह के कट दिए जाते हैं, आपने कर्स वर्ड और किस तो सुन लिया पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि इसकी 50% कट काट लिया गया, इसका जो ये किया गया, UA के हिसाब से जो कट होते हैं UA के हिसाब से होते हैं, यू के हिसाब से होते हैं, तो उस हिसाब से फिल्म को देखा जाता है। अगर एडल्ट होता है तो एडल्ट के हिसाब से देखा जाता है, उस रेटिंग को काम किया जाता है कितना होगा उस हिसाब से। लेकिन क्लीन फिल्म को इतने कट देने का ये रिवाज मैंने अपने लाइफ में, जितने साल मुझे आज 48 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसे कट मैंने एज ए प्रोड्यूसर नहीं देखे, और जबकि मैं CBFC चेयरमैन रहा हूँ तो ऐसे तो कट मैंने कभी नहीं। इमोशनल हो गया हूँ, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि एक तो मेरे राजा बाबू गोविंदा जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, मैंने इनके साथ 38-39 फिल्म्स की हैं जिसमें से 35 सुपर हिट हैं, आज वो अपने दिल की बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। मैं वो सुनकर बहुत परेशान हुआ हूँ कि वास्तविकता में ये हो रहा है। दूसरा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर अगर आज 4 बड़े प्रोड्यूसर्स इस कंट्री में हैं, YRF, करण, भगवान आपका भला करे, साजिद नाडेड वाला, मैं उन्हीं के बराबर का समझता हूँ पहलाज निहलानी है। इन्होंने इतनी फिल्में दी है इस इंडस्ट्री को। सर, मैंने हर भाषा में फिल्म की है सर, 700 से ऊपर फिल्में की हैं, और हर प्रकार की फिल्म की है, ए प्रोड्यूसर, बी, सी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, जो मैंने सामने कट्स देखे हैं, एक प्रोड्यूसर अपने हीरो को जिसको वो इंडस्ट्री में लेके आए, आज सारे हालातों से लड़ते हुए करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, एक बहुत बेहतरीन फैमिली फिल्म बनाई जिसे UA का सर्टिफिकेट मिला है, उसके बाद ये कट दे देते हो। आधी पिक्चर तो आपने काट दी सर,
फैमिली वाली पिक्चर है सर, और ये ऐसी पिक्चर है जो काफी लोगों के मुंह बंद करेंगे कि गोविंदा ने और पहलाज नानी का जो कॉम्बिनेशन है सर, करोड़ों रुपया इस फिल्म में लगा है। सेठ जी का ये कहना है अगर चार घोड़े चाहिए 16 घोड़े लेके आओ। बोले सेठ जी ये पिक्चर बोले कुछ नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे मेरे पास आमिर खान नहीं है, मेरा आमिर खान, मेरा शाहरुख खान गोविंदा है। और सर ये बात सत्य है, ये फिल्म आएगी तो लोगों को समझ में आएगा कि एक प्रोड्यूसर और एक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है।